लाखों का पुण्य कमाइए, लोगों को यात्रा का वीडियो भेजकर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये माता जी का सबसे पावरफुल मंत्र है। आज आपको लेकर चलता हूँ चामुंडा माता के मंदिर, और जानिए क्यों 7 बजे के बाद पुजारी भी इस मंदिर में नहीं रुकते। शुंभ निशुंभ रक्त बीज धूम्रलोचन और चंड मुंड राक्षस के बारे में जानिए, तो एंड तक बने रहेगा वरना कुछ ना कुछ जरूर छूट जाएगा। आपको आरती के और मूर्ति के दर्शन भी कराऊंगा, जो कि बहुत कम वीडियो में होते हैं क्योंकि मंदिर में शूटिंग अलाउड नहीं है। ये मंदिर है नीचे का 1250 फीट जमीन से ऊंचा पहाड़, जिसे पहले छोटा गढ़ के नाम से जाना जाता था, जो ज्वालामुखी से बना हुआ है। ये पहाड़ माँ लिखा हुआ है पहाड़ के ऊपर, जिसे आप आगे से दर्शन करेंगे। राजकोट अहमदाबाद हाईवे से ही दूर से पढ़ा जा सकता है माँ शब्द। चंड मुंड राक्षस को मारकर माता कहलाई थी चामुंडा, जिसकी कथा मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। पहले ये नीचे के मंदिर के दर्शन करिए। 638 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है माता के दर्शन के लिए, कोई रोप वे नहीं है। आधे से 1 घंटे का समय लगता है चढ़ के जाने के लिए, प्लस दर्शन का समय प्लस उतरने का समय, तो 3 घंटे के आसपास का समय लेकर आप जा सकते हैं। एक एक सीढ़ी का दर्शन करिए, नीचे से ऊपर तक 638 सीढ़ियाँ हैं ये। हर 100 सीढ़ियों के बाद में बैठने का स्थान है, पीने के लिए पानी है, पतरे की छत है, जिससे कि बारिश में और गर्मियों में यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। पहले पथरीला रास्ता था, फिर कच्ची सीढ़ियाँ बनाई गई, और अब पक्की सड़क बना दी गई है जिससे कि आप दर्शन करने जा सकें। सुबह जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ना चालू करें, जिससे कि गर्मी कम लगे। अप और डाउन की सीढ़ियाँ अलग अलग बनाई गई हैं, जिससे कि धक्का मुक्की ना हो। ऊपर का व्यू इतना बढ़िया है क्योंकि नवरात्रे में और नए साल में पूनम में आठम नौम और रविवार को काफ़ी भीड़ रहती है, तो धक्का मुक्की को ना हो इसलिए अलग अलग सीढ़ियाँ बनाई गई हैं अप एंड डाउन की। 155 साल पुराना है मंदिर, जो महंत श्री गुलाब हरिगिरी बापू ने बनवाया था। तब से आज तक विकास उनके वंशज करते आ रहे हैं। नीचे भी माता जी का मंदिर है, वहाँ से आशीर्वाद लेकर ही ऊपर चलें, जिसके दर्शन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। नीचे फ्री का भोजन यानी भंडारा, प्रसाद का भंडारा होता है, जो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है। मंदिर की तरफ से फ्री की पार्किंग है, धर्मशाला में रहने का फ्री की सुविधा है। तो जय माता दी बोलिए और घर से निकलिए। चामुंडा माता दुर्गा का ही स्वरूप है, पार्वती जी के 64 जोगनी रूप में से एक हैं ये। 81 तांत्रिक देवी में से एक रूप में है यहाँ पर, जो बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाती हैं। शक्ति स्वरूप माँ को रणचंडी भी कहा जाता है यहाँ पर। शाम 7:30 बजे के बाद मंदिर में कोई नहीं रुक सकता, पुजारी भी नहीं रुकते, क्योंकि माता मैया का वाहन सिंह यानी शेर रात को मंदिर में रखवाली करने के लिए और दर्शन करने के लिए माता जी के लिए आता है। मन्नत पूरी हो जाने पर इसलिए मंदिर के पीछे लोग सिक्का भी चिपकाते हैं। लोगों की मनोकामना पूरी होती है तो आकर नारियल चढ़ाया जाता है, जिसका एक बहुत बढ़िया सुविधा की गई है। मंदिर में नॉन स्टॉप हवन चलता रहता है, जिसमें जाकर आहुतियाँ भी दे सकते हैं आप। एक भक्त के सपने में आकर माँ ने दर्शन दिए और कहा कि यहाँ पर मंदिर बना जाए, और वहीं पे माता जी की स्वयंभू मूर्ति निकली। तो चलिए अभी मुख्य कथा सुनाता हूँ कि क्यों माता यहाँ पर प्रकट हुई। शुंभ और निशुंभ राक्षस के बारे में तो सपने सुना है, जिसको माता ने मारा था, लेकिन उसे मारने से पहले और भी असुरों को मारा था, जो असुरराज थे। राक्षसों का स्वभाव है जो आज भी लोगों में है, छीन लो झपट लो, पर नारी लेडीज पर बुरी नज़र डालो और लंबा जीने की कामना, ये सब राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं। तो उसी समय वरदान मांगा गया कि हमें कोई ना मार सके। शुंभ निशुंभ माँ से लड़ने आए, उससे पहले उन्होंने अपने नायक धर्मलोचन को भेजा कि पार्वती जी को पकड़ के लाओ, उनसे वो शादी करना चाहते हैं। पर माँ की एक ही दहाड़ में धूम्रलोचन मर गया, इसलिए माँ कहलाई चंद्रघंटा। चंद्रघंटा उनका नाम तभी से हुआ। फिर उन्होंने रक्त बीज राक्षस को भेजा, जिसे वरदान था कि जिसकी एक बूंद भी अगर खून की जमीन पर गिरेगी तो उसमें से एक राक्षस और पैदा हो जाएगा। तब माता जी ने काली का स्वरूप लिया
और जिनके हाथ में खप्पर होता है, कटोरा होता है और लंबी जीभ होती है, माँ एक उसका सर काटती और खून कटोरे में गिरते ही खून पी जाती, इसी तरह के से रक्त बीज राक्षस मरा। तब शुम और निशुम ने अपने सेनापति चंड और मुंड को भेजा माँ से लड़ने के लिए और माँ को लाने के लिए। चंड और मुंड को शिव जी से वरदान था कि उन्हें ना कोई इंसान मार सकता है, ना देवता मार सकता है, ना राक्षस मार सकता है, ना ही कोई जानवर मार सकता है। इसीलिए पार्वती जी ने नवदुर्गा का रूप लिया जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की ताकत थी, खुद दुर्गा जी की ताकत थी, और धारण रूप किया चामुंडा, क्योंकि चंड और मुंड ने वरदान मांगा था कि उन्हें कोई नहीं मार सकता। तो माता के यहाँ पर दो मुख हैं, चंडी और चामुंडा, जिन्होंने दो को मारा चंड और मुंड, जहाँ मारा आज वहीं पर मंदिर है। ये सप्त माताओं में से एक हैं। सीढ़ियों में पहले काली माता के दर्शन करिएगा, नीचे सप्तेश्वर महादेव संतोषी माता के दर्शन भी जरूर करिएगा। मंदिर का समय है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7-7:30 बजे तक। आरती सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे होती है। फिर पुजारी भी नीचे आ जाते हैं क्योंकि शेर वहाँ पर दर्शन करने के लिए आता है। मंदिर जाने के लिए बेस्ट समय रहेगा अक्टूबर से मार्च, क्योंकि यहाँ पर गर्मी और बारिश उस समय पर कम रहती है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला चोटीला पर्वत चोटीला मंदिर पर है ये मंदिर। राजकोट से 48 किलोमीटर है, जहाँ से कहीं यहाँ के लिए आपको ट्रेन और बस आसानी से मिल जाएगी। पास में ही है त्रिनेत्र महादेव, वहाँ पे भी जरूर जाइएगा। मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। जय गुरुदेव मंदिर हरिद्वार, सारा की मेल्डी माता। 400 वीडियो हैं यूट्यूब पर। रोज एक नए मंदिर का दर्शन करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करेगा और लोगों को फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि दर्शन करवाना पुण्य का काम है, जो अभी मैं कर रहा हूँ और बाद में आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। जय माता दी लिखना जरूर। लाखों का पुण्य कमाइए लोगों को यात्रा का वीडियो देखकर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब।